हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम उस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, उस लॉजिक की बात करेंगे जिसका यूज़ कर, जिसको अप्लाई कर आप T10 में ग्रैंड लीग को जीत सकते हैं। और जिसके लिए मैं आपको पांच ऐसा रूल बताऊंगा। उस पांचों रूल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अगर आप इन पांचों रूल्स को अच्छे से समझ के उसको अप्लाई करके अपना टीम क्रिएट आपने अगर कर लिया, तो आपको ग्रैंड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता है गाइस। आप T10 में ग्रैंड लीग जरूर जीतोगे। पर उन पांचों रूल को जानने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम हमेशा ग्रैंड लीग को कैसे जीते, स्ट्रैटेजी बना के कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करें, उसके बारे में हमेशा वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल को ऑल पे सेट कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल पाए। तो बिना किसी देरी के गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर वन गाइस, T10 मैच में ग्रैंड लीग विनिंग टीम क्रिएट करने के लिए ना टीम स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। टीम स्ट्रक्चर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लाइनअप में आप देखते होंगे कि जो बॉलर दो ओवर की बॉलिंग करता है वो आपको बैटिंग वाली सेक्शन में नजर आएगा, और जो बैट्समैन जो कि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है वो आपको बॉलिंग के सेक्शन में नजर आएगा, वो आपको बॉलिंग वाले सेक्शन में अवेलेबल नजर आएगा। इसलिए लाइनअप आउट होने के बाद आपको दोनों टीम के प्लेयर्स का एनालिसिस करना है, दोनों टीम के प्लेयर का आपको अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आज के मैच में आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करोगे। उसके बाद आप चाहे जो भी स्ट्रक्चर यूज करो, जो जैसा भी स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, आपकी टीम में एटलीस्ट 7 बॉलर होने चाहिए। आपको 7 बॉलर को पिक करना है अपनी टीम की क्रिएट करने से पहले, और तभी आपको अपना टीम बनाना है। 7 बॉलर आपकी टीम में होने चाहिए। अब गाइस, 7 प्लेयर इन द सेंस कि आपको ये माइंड में रखना है कि वो जो भी प्लेयर हो वो 14 ओवर तक बॉलिंग करे ही करे। गाइस, दूसरा रूल कहता है एनालिसिस फॉर ड्रॉपिंग द प्लेयर, यानी आपको एनालिसिस करना है किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। उसके लिए आपने गाइज नोटिस किया होगा, अगर आप T10 ग्रैंड लीग वाला टीम लगाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि दोनों टीम में कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो जिनका कोई महत्व नहीं होता है, जिनका कोई रोल नहीं होता है उस टीम के लिए। दोनों टीम को मिला के 22 प्लेयर में आपको 5 से 6, 4-5 ऐसे प्लेयर नजर आएंगे जिनका कोई रोल नहीं होता है टीम में। तो वैसे प्लेयर को आपको सबसे पहले जो है ड्रॉप करना है, वैसे प्लेयर को सबसे पहले आपको साइड में रख देना है, उसके बाद अपना टीम क्रिएट करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपके पास जो है ऑप्शन कम जाएगा। अब सपोज ज्यादा ऑप्शन में से आपको चूज करने के लिए दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे आपको ब्रेन का अप्लाई ज्यादा करना होगा। और आपने 5-6 प्लेयर को पहले ही साइड कर दिया है, वहां आपको क्लैरिटी मिल जाएगा प्लेयर को चूज करने में, पिक करने के लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्लैरिटी मिल जाता है कि आपके पास बच जाता है 15-16 प्लेयर, उसमें से आपको चूज करना है। तो सबसे पहले एनालिसिस करें कि किस किस प्लेयर को आपको अपनी टीम से हटाना है। वो 4-5 प्लेयर जो यूजलेस आप कह सकते हैं, वैसे प्लेयर को आपको सबसे पहले साइड करके उसके बाद आपको टीम के लिए पिक करने के लिए प्लेयर को चूज करना है। गाइज, लेटेस्ट अपडेट और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है LOGICAL TRICK। उसे आप जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में कमेंट सेक्शन के पहले पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन करें। वहीं पर हम अपना टिप्स एंड ट्रिक्स लेटेस्ट जो भी होता है वहीं पर सारा कुछ डिस्कशन हम हमेशा आपको डे टू डे आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। गाइस, तीसरा रूल है मस्ट पिक एटलीस्ट 2-3 प्लेयर्स हैविंग लेस देन 20% सिलेक्शन रेट। आपको ऐसा 2-3 प्लेयर जरूर सेलेक्ट करना है, जरूर चुनना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज जो है वो 20% से कम हो। और वैसे प्लेयर को खास करके तो चुनना है जो आपको ऑलराउंडर वाले सेक्शन में नजर आए, और उसका जो प्रीवियस मैच में है उन्होंने एक ओवर का बॉलिंग भी किया हो, और जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी किया हो, तो ऐसे प्लेयर को आपको जरूर चुनना है, क्योंकि यही वो प्लेयर है गाइज जो आपको ग्रैंड लीग जितवा के देता है। यही वो प्लेयर है जो आपको टीम यानी की प्लेयर जो है दिखता बनता हुआ नजर आएगा गाइज। यही वो प्लेयर है जो ड्रीम टीम का मेंबर होता है। तो ऐसे प्लेयर को आपको अपनी टीम में जरूर रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वैसा प्लेयर जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 20% से कम हो, और जो आपको ऑलराउंडर वाले सेक्शन में नजर आ जाए, और जिसका प्रीवियस मैच उसने अगर प्रीवियस मैच में एक ओवर का बॉलिंग भी किया हो और वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी किया हो, तो ऐसे प्लेयर को भूले से भी अपनी टीम से मत हटाना, वैसे प्लेयर को हमेशा अपनी टीम में रखना।
गाइज रूल नंबर 4 है, ऑलवेज पिक इन फॉर्म प्लेयर इन बैटिंग सेक्शन, यानी जो प्लेयर फॉर्म में है और जो बैटिंग सेक्शन में है उसको आपको हमेशा पिक करना है। कई बार होता यूं है कि रिस्क लेने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, इन फॉर्म प्लेयर को भी ड्रॉप कर देते हैं, यानी अपनी टीम से बाहर कर देते हैं, तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो प्लेयर फॉर्म में होगा उसको लेना ही लेना है, चाहे उसका सिलेक्शन परसेंटेज 100 ही क्यों ना हो। अब यहां पे क्या करते हैं लोग, 100% या फिर 90% सिलेक्शन परसेंटेज देख के वो क्या करते हैं, उनको ड्रॉप कर देते हैं कि चलो इनको नहीं लेता हूं, थोड़ा सा रिस्क लेता हूं, क्या पता आज ये ना चले। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो बैट्समैन फॉर्म में हो उसको लेना ही लेना है। तो गाइज ऐसी गलती आप नहीं करना कि इनफॉर्म प्लेयर को रिस्क लेने के चक्कर में ड्रॉप कर देते हैं, नहीं, आपको अपनी टीम में इनफॉर्म प्लेयर को हमेशा रखना है। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट गाइज, रूल नंबर 5 क्या कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यान से समझना। रूल नंबर 5 कहता है गाइज कि मस्ट नो स्ट्राइक रेट ऑफ प्लेयर्स, यानी आपको प्लेयर्स का जो है स्ट्राइक रेट जानना है, उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है प्लेयर्स का। बिना स्ट्राइक रेट जाने आपको प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं करना है, क्योंकि गाइज T10 जो है वो एक छोटा फॉर्मेट गेम है, ये एक छोटा गेम है और यहां पर आपको स्ट्राइक रेट का पता होना बहुत जरूरी है बैट्समैन का, उसके बाद ही आपको चूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लेयर, कोई ओपनर बैटिंग के लिए जाता है और वो 20 बॉल खेल के 20 रन बनाता है, और अगर कोई प्लेयर 5 डाउन आता है, 5 बैट्समैन के बाद आता है और वो 10 बॉल खेल के 20 रन बनाता है, तो वहां पर आपके लिए बेटर कौन है आप चूज कर लो, क्योंकि वहां पे तो जो 5 डाउन वाला प्लेयर है उसका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है। अब जो ओपनर है वहां पे, उस ओपनर का स्ट्राइक रेट आप देख लो, तो वहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है और ओपनर को ड्रॉप करना है। जहां सारे लोग ओपनर के पीछे भाग रहे होंगे वहां आपको ओपनर को ड्रॉप कर देना है और आपको चुनना है 5 डाउन वाले प्लेयर को जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, क्योंकि वो प्लेयर अगर आ गया ना गाइज, वो आपको 5 गेंद में खेल के 10 गेंद में खेल के आपको वो काम करके जाएगा जो ओपनर नहीं करके जाएगा। तो ऐसे प्लेयर को चूज करना है जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा हो। उम्मीद है गाइज आपको ये 5 पॉइंट बहुत इफेक्टिव लगा होगा, और अगर आपने इसको अप्लाई किया ना, मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूं, बल्कि आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप ग्रैंड लीग में, यानी T10 में आप ग्रैंड लीग टीम, विनिंग टीम आप बनाएंगे ही बनाएंगे और ग्रैंड लीग आप लेके आएंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाएगा गाइज। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसे ही टिप एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में, जहां मैं आपको शेयर करूंगा कि ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग कैसे जीते, चाहे वो T10 का मैच हो या T20 हो या फिर अपकमिंग 2022 IPL हो। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने शेयर किया है कि ग्रैंड लीग नहीं जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। चैनल विजिट करके आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देख लेना।